हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। और इसमें मैं बताने वाला हूँ हमें अपने रेस्टोरेंट की मैप लोकेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी सेल्फ। आपको किसी को मेल करने की ज़रूरत नहीं है और किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो, आप समझ जाएंगे कैसे आपको अपने रेस्टोरेंट की लोकेशन चेंज करनी है। सबसे पहले देखिए, ये पहले का प्रोसेस क्या था, बिजनेस, ये ज़ोमैटो बिजनेस को करना है। उसके बाद यहाँ से ये आप लोग सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, बहुत वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद वाला ऐप है, ठीक है। उसके बाद मैनेज आउटलेट पे जाना होता था, उसके बाद रेस्टोरेंट के ऊपर जाना होता था, उसके बाद एडिट लोकेशन पे जाना होता था, उसके बाद हमें इंडिया देखना होता था। देखिए मैं इंडिया पे आ गया हूँ, पूरे वर्ल्ड का है ये, इस तरीके से ये इंडिया में। उसके बाद हमें देखना पड़ता था कौन से सिटी से हैं, ठीक है, इंदौर, ठीक है, जैसे न्यू दिल्ली, इस तरीके से आपको अपनी लोकेशन देखनी होती थी, बिल्कुल पिन करनी होती थी। उसके बाद आपको जो भी था सिंपल सा ये करना होता था और सबमिट हो जाता था। पर अभी क्या लिख के आ गया है, मेल करने की बता रहा है, restaurant@zomato.com पे मेल करें तब एड्रेस चेंज होगा। बट नहीं, आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताया। अभी क्या है, अभी प्रोसेस चेंज हो गया, अभी बहुत ही सिंपल कर दिया है। अभी जाना है आपको जोमेटो पार्टनर वाले ऐप में, जहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, इस तरीके से ऑर्डर होता है, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, मतलब थ्री लाइन के ऊपर जाना है, सिंपल सा तरीका है, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे, सॉरी, ये यहाँ पे ये लिखा एडिट आउटलेट्स नेम एंड एड्रेस, तो नाम अभी यहाँ से चेंज नहीं हो रहा। अगर नाम चेंज कराना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने अकाउंट मैनेजर को, नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। मैंने दूसरा वीडियो में बताया था कि नाम कैसे चेंज करते हैं, पर नाम नहीं अभी चेंज हो रहा है, मैंने देखा है। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे आगे, अभी हमारे रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, अपनी शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है, तो हमें एड्रेस चेंज करना है इसकी मैप लोकेशन का। अगर ये वाला एड्रेस चेंज करना है तो फूड लाइसेंस का एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, तब ये एड्रेस चेंज होगा। अदरवाइज़ हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती यार चेंज करने की, ये जो पड़ा पड़ा रहने दो। हमें मैन होता है मैप लोकेशन को चेंज करना, क्योंकि हमें हमारे पास जो राइडर आते हैं वो मैप लोकेशन के थ्रू आता है, और हमें चेंज किन के लिए कराना पड़ता है, उनके लिए ही। तो हमें यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट का अगर लिंक है कोई जहाँ पे, वो डाल सकते हैं, तब आप सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये लिखा हुआ है लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड नंबर, ये आप डाल दीजिए और हो जाएगा। ये डालना कहाँ से है, सबसे पहले जाना है गूगल में, वो वीडियो मैंने वहीं पर रोक रखा, सबसे पहले जाना है गूगल में, उसके बाद लिखना है करंट माय, यही सर्च करना है आपको। और ये वहाँ पे सर्च करना है जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट हो, अपने घर या अपने ऑफिस में मत सर्च करना, ठीक है जी, या कहीं मार्केट में मत सर्च करना, ये वहीं पे सर्च करना है जहाँ की आप लोकेशन डालना चाहते हैं, ये डालिएगा। उसके बाद सिंपल सी बात है, इस पर करिएगा, ये भी याद रखिएगा, GPS, ये मैं लिंक भी दे दूँगा, वैसे कॉपी कर लेता हूँ लिंक को मैं, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद देखिए अभी क्या है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ ना वहाँ का एड्रेस ही लिख के आ गया, ये एड्रेस को हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम, ठीक है, उसके बाद एक मिनट, मेरा ऑर्डर लेने आया, मैं उसको ऑर्डर दे दूँ पहले, सॉरी मेरे भाई, राइडर आ गया था ऑर्डर लेने, उसको ऑर्डर पकड़ा रहे थे। तो अभी क्या मैं बता रहा था, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ लैटिट्यूड नंबर ये और लैंगिट्यूड नंबर, ठीक है, ये नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको हमें कॉपी करना है सिंपल सी, ठीक है, कॉपी। उसके बाद जाना कहाँ पे है, यहाँ पे गए, ठीक है, वहीं पे आ गए हम जोमेटो मर्चेंट वाले ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको डिलीट करके और इसको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला भी करना है कॉपी, कोई बात नहीं, वापस से भी वही खुलेगा, कॉपी हो नहीं रहा तो आपको कैसे करना, कॉपी नहीं है, ठीक है जी, अभी कॉपी होगा ये भी। उसके बाद मैं वहीं वापस से जा रहा हूँ, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे ये करना, उसके बाद यहाँ पे अपना फूड लाइसेंस अपलोड कर देना है, और कोई तरीका नहीं है इसका, कोई मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको फूड लाइसेंस सबमिट कर देना है,
मेरे को फूड लाइसेंस सबमिट नहीं करना है, तो मैं अभी कुछ भी सबमिट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा एड्रेस सही है मेरे भाई। चाय कॉफ़ी सबमिट कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको फूड लाइसेंस सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे जाना है, और ये है अभी देख लेना, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा हमें, और ये लगभग 24 घंटे लगते हैं इसको सही होने में, और 24 घंटे के अंदर आप जाएंगे चेक करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, रेस हो गया, यहाँ पे रिप्लाई आ जाएगा। अगर वो फूड लाइसेंस मांगता है वापस से तो आपको दोबारा देना है, ठीक है। अगर अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट मांगेगा तो उसी इसी की मांगेगा स्क्रीनशॉट इसकी, तो आपको स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर देनी है, ठीक है, और इसी की स्क्रीनशॉट अपलोड करनी है। ये रहा, समझ लेना यार, मैं एक तो जल्दी जल्दी करता रहता हूँ। इसकी स्क्रीनशॉट इसी यहीं की लेनी है, और कहीं की लेनी, यहीं की स्क्रीनशॉट और वहाँ पर दे देनी है अगर मांगता है कस्टमर केयर आपसे, ठीक है। 24 घंटे में हो जाएगा, जब हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जीमेल पे, ठीक है, ये और यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ चेक करने के लिए आपको जाना है वापस से जोमेटो कस्टमर ऐप के ऊपर, एड्रेस चेंज करने के लिए कस्टमर ऐप के ऊपर, एड्रेस चेक करने के लिए कस्टमर ऐप के ऊपर ही जाना होता है। अगर आप जितने भी न्यू रेस्टोरेंट ओपन किए हैं उनको पता नहीं चलता यार मेरे रेस्टोरेंट का एड्रेस कैसे पता चलेगा, तो उनको बता दूं, आपको जाना है कस्टमर ऐप के ऊपर, अपना रेस्टोरेंट सर्च करना है, वी ईटर्स, ठीक है जी। डिलीवरी का ऑप्शन है, उसके बाद डाइनिंग का ऑप्शन है, डाइनिंग पे जाना है सिंपल। जिसको भी अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस मैप लोकेशन चेंज कर चेक करनी है ना, वो डाइनिंग पे जाना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, लिखे पे मत जाइएगा, लिखा सही है, ठीक है। अभी आपको डायरेक्शन चेक करना है कि डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन ओपन हो रहा है, अब आप देख रहे हैं मेरा 1 मिनट दिखा रहा है डिस्टेंस, मतलब 210 मीटर पर ही है, तो मतलब थोड़ा सा बस घर के बाहर निकलूँगा है, ये खाली दिखा रहा है 200, मतलब एग्जैक्ट एड्रेस जो है मेरा सही पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से चेक करनी है, अगर आपका एड्रेस गलत होगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा कितने कितना डिफरेंट है आपके एड्रेस में, ठीक है मेरे दोस्त। वीडियो कम्प्लीट होती है, और वीडियो कम्प्लीट कर रहा हूँ, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, और किसी तरह की जानकारी हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, नंबर मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल में गए, यही मेरा नंबर है पर्सनल नंबर, आपको व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप पे रिप्लाई नहीं आता है तो आपको कॉल करना है, कॉल करना है, अगर कॉल पे रिस्पांस नहीं आता तो आपको फिर से व्हाट्सअप ही करना है, उसके बाद देन वेट करना है। मैं 2 से 3 घंटे में देखता ज़रूर हूँ एक बारी सब कुछ, और जब भी मैं देखूँगा, और अगर जब भी आपका मैसेज ओपन करूँगा तो आपको रिप्लाई दूँगा, अदरवाइज मैसेज ओपन नहीं मैं करता हूँ जल्दी, ठीक है। तो बेफिक्र रहना कि मैसेज नहीं आपका सीन हो रहा है, जब सीन होगा तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, वीडियो कम्प्लीट कर रहा हूँ। अरे